अक्सर कई बार जब हमारी दोस्तों से या रिश्तेदारों से झगड़ा हो जाता है तो तब हम बोलते हैं कि तुम्हारी दहलीज पर मैं कदम नहीं रखूंगा। लेकिन इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इनफैक्ट दहलीज को हम इंग्लिश में बोलते क्या है? हेलो फ्रेंड्स, आज की छोटी सी वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि दहलीज शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं और साथ ही साथ तुम्हारी दहलीज पर मैं कदम नहीं रखूंगा इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। दहलीज शब्द के लिए हम दो वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट वर्न इज थ्रेशोल्ड एंड द सेकेंड वर्न इज वेस्टिब्यूल। मीनिंग वेस्टिब्यूल का भी दहलीज ही होता है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में हम दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा इसके लिए हम थ्रेशोल्ड वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। डू नॉट स्टेप ऑन द थ्रेशोल्ड, दहलीज पर कदम मत रखना। या अगर कहें कि मेरी दहलीज पर कदम मत करना, Do not step in my threshold. मेरी threshold पर, मेरी दहलीज पर कदम मत रखना। और do not step on the threshold of my house. मेरे घर की दहलीज पर कदम नहीं रखना। I'll not step in your threshold. मैं तुम्हारी दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा। या I'll not step in the threshold of your house. तुम्हारे घर की दहलीज पर मैं कदम भी नहीं रखूंगा। तो आगे से किसी को भी गुस्से में अगर ये सेंटेंस बोलना हो तो हिंदी में मत बोलिएगा, इंग्लिश में बोलिएगा। और साथ ही साथ इस वर्ड दहलीज पर हमारे इंग्लिश के कई सारे सॉन्ग्स भी बने हैं, उनमें भी आप इंग्लिश का ही प्रयोग करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन